दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज के कृषि बाजार देख लेते हैं। नीमच मंडी के सभी जिनसों के वास्तविकता की रिपोर्ट लहसुन में लेवाली जोरदार और बहुत अच्छी लेवाली देखने को मिली। बाकी रायडा की बात करें, मस्टर्ड सीड्स रायडा ब्लैक रायडा और वो बिका है आज शानदार 3841 रुपये तक। वो बाजारों में 100 रुपये की तेजी। और अलसी की बात करें, 4791 रुपये 4800 तक बिक चुकी है बाजार में। अलसी में भी 100 रुपये की तेजी। तो रायडा और अलसी में तेजी का रुख देखने को मिला। और सोयाबीन में भी कल के मुकाबले 50 रुपये सुधार रहा। कल कुछ घटा हुआ था ज़्यादा, तो आज सुधार देखने को मिला। और लहसुन के बाजार 21 से बंद पे रहे। लेवाली जोरदार देखने को मिली। कुछ मालों में 100-200 रुपये 300 रुपये तक भी तेज था और कुछ में समान था। ओवरऑल देखा जाए कुछ में कम भी था, तो ओवरऑल 100-200 रुपये ठीक देखने को मिला। पूरी रिपोर्ट देखते हैं विश्वसनीयता के साथ में, सभी जिनसों की क्या तेजी मंदी वास्तविकता के साथ बनी। और पोस्ते में गिरावट देखने को मिली और कुछ हल्के माल में तो कुछ ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। देखते हैं पूरी रिपोर्ट। दोस्तों आज के लहसुन के बाजार की बात करें तो मोटे माल G2 क्वालिटी बिल्कुल नहीं थी। 17 से 18 हज़ार वाला माल बिल्कुल नहीं था। लड्डू माल 14 से 16 हज़ार वाला था। और मीडियम लड्डू मिक्स माल था जो 13 हज़ार से 14 हज़ार बिक रहा था। मीडियम माल था जो 11 हज़ार से 12 हज़ार रुपये बिक रहा था। आवक देखने को मिली 6,500 बोरी की। और बाज़ारों में देखने को मिला 21 अपन। इसका मतलब ये लेवाली जोरदार बढ़िया देखने को मिली। लेवाली सभी मालों में अच्छी थी। कुछ मालों में 200-300 रुपये तेज भी कह सकते थे अपन, मगर ओवरऑल गिना जाए तो बाज़ार 21 है, बाज़ार समान कह सकते हैं। तुलसी बीज ऊपर में 11,200 बिका। बढ़िया माल 11,000 से 11,200। एवरेज बेस्ट माल 10,500 रुपये से लगाकर 10,800 रुपया। एवरेज क्वालिटी 9,000 से 9,500। 100 बड़ी की आवक देखने को मिली तुलसी बीज के अंतर्गत। और बाज़ारों में देखने को मिली 200 रुपये की गिरावट। दोस्तों अब बात करते लहसुन के अन्य क्वालिटी के बाज़ारों के भाव की बात। वो तो थी G2 क्वालिटी, उसके बाद तुलसी बीज आ गया है बीच में। बाकी देशी लहसुन की बात करें, देशी लहसुन छोटे माल जो हैं, जो एवरेज लड्डू माल है वो लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये तक बिक रहे हैं। और लगभग 12,500-13,000 ही नॉर्मल बिक रहा है। कली का माल 8,000 से 10,500। तो उस मीडियम 11,000 से 12,000 ये भी यही बिक रही है। बेस्ट मीडियम 10,500 से 11,000। छली माल 8,500 से 10,000। फूड क्वालिटी माल 4,000 से 8,500। 6,500 बोरी आवक देखने को मिली। बाज़ार में 100-200 रुपये तेज कह सकते हैं। लेवाली अच्छी है, बाज़ार 21 अपन है, लेवाली जोरदार है। टॉप क्वालिटी के मालों की आवक बिल्कुल नहीं थी, जो 17,000 से 19,000 दिखते हैं। सारे माल लगभग 10,000 से 15,000 तक की भी रेंज के माल थे मंडियों में। आज ऊंचे रेंज की माल नहीं थे। रियावन 18 से 19 हज़ार वाला माल नहीं था। देशी मोटा माल 17 से 19 हज़ार रुपये वाला माल ये भी नहीं था। फुल गोला माल 15,500 से 16,500, इसकी भी आवक बहुत कम थी। और लड्डू माल 13 से 15 हज़ार, लगभग यही माल मंडी में था आज। 13,000 से 15,000 अधिकांश तो मंडी यही बिकी है। 6,500 की आवक देखने को मिली। बाज़ारों में 21 अपन देखने को मिला। लेवाली बढ़िया देखने को मिली है। और कुछ भी 1-2 रुपये कुछ भी बाज़ारों में तेज़ी ही देखने को मिली है। बाज़ार में टॉप मालों की आवक बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। सब एवरेज और सारे एवरेज हल्के माल थे। दोस्तों कलौंजी की बात करें तो ऊपर में 10,600 रुपये बिकी। बढ़िया माल 10,600 से 700 की रंगत है। एकदम टॉप क्वालिटी का माल कुछ भी नहीं था। एवरेज बेस्ट 10,300 से 10,500। और एवरेज क्वालिटी 9,500 से 10,100। 250 बुरी आवक रही, बाज़ार समान रहा। लगभग माल 9,500 से 10,400 तक का ही माल मंडी में था। इससे ऊपर की रेंज की आवक बिल्कुल नहीं थी। इसबगोल 8,561 रुपये एक लॉट बिका। बाकी पैकेट माल 8,400 से 500 तक बिके। सेमी पैकेट माल 8,100 से 8,300 तक बिके। एवरेज माल 76 से 8,100 बिका। 125 बुरी आवक रही। बाज़ार कल से 100 रुपये तेज रहा। कल 200 रुपये मत्था था, आज 100 रुपये की तेज़ी देखने को मिली। धनिया ऊपर में 5,860 रुपये बिका। 1,5840 बिका। 5,800 बिका। 5,825 बिका। 4 लॉट थे बढ़िया मालों के। बाकी ईगल माल 5,600 से 5,800। बादामी माल 5,200 से 5,500। एवरेज माल 4,300 से 5,000। और जो हल्के संग के माल है 3,500 से 4,000 बिके। डंकी माल, हल्का माल, बारिश का खराब माल आवक रही 1,000 बोरी की। बड़ा देखने को मिला सामान। लेवाली बढ़िया। मेथा ऊपर में 5,100 बिका। मेथा की आवक नहीं थी। एवरेज माल जो 4,050 से 4,150। पीले माल 4,250 से 4,300। कलर वाले माल 4,300 से 4,450 रुपये बिके। मोटे माल 4,400 से 4,600 बिका। और स्पेशल माल 4,600 से 5,200 रुपये बिके। पुराने माल 3,700 से 3,900। हल्के माल 3,300 से 3,600 रुपये तक बिके। आवक देखने को मिली 750 बोरी की। बाज़ारों में देखने को मिली समानता, कोई विशेष तेजी मंदी नहीं। बेले वाली कुछ भी बढ़िया कह सकते हैं। अजवाइन 13,150। देशी माल बिका दोस्तों, उलानू नहीं, देशी। उलानू की आवाज़ कम थी, सारे देशी माल थे। देशी माल लगभग 11,000 से 11,500। सुपर माल 11,700 से 12,000। देशी माल बिका। एवरेज माल 10,000 से 10,800। उलानू माल के भाव है 10,000 से 12,500। और
टॉप मॉडल 12,500 से 13,500 उनालू मोटे माल के बाजार हैं। बाजार समान है, 400 बजी आवा के लेवाली बढ़िया देखने को मिली। दोस्तों विशाल का एक लोट खाने वाले कलर चना 4,000 बिका और चना कांटा 3,990 बिका। विशाल चना 3,900 से 3,975, कांटा चना 3,850 से 3,925 रुपये बिका। एवरेज माल 3,800 से 3,850 रुपये बिका और चालू माल डंकी शंकी माल 3,450 से 3,700 बिका। 700 बोरी आवक रही और बाजार में देखने को मिली समानता। कोई विशेष तेजी मंदी नहीं, लेवाली में कुछ भी जोश कह सकते हैं, लेवाली कुछ भी ठीक कह सकते हैं। मसूर की बात करें दोस्तों, मसूर ऊपर में बिकी 4,166 रुपये, बढ़िया बारीक 4,000 से 4,200, बढ़िया मोटी 3,850 से 3,900, एवरेज मोटा माल 3,700 से 3,800। आवक रही मात्र 15 बोरी, बाजार रहा समान। डॉलर चने की बात करें दोस्तों तो ऊपर में 4,900 रुपये बिका, बढ़िया माल जो है 4,600 से 4,800 के बाजार, एवरेज माल 4,100 से 4,500 के बाजार, चालू माल 3,200 से 3,800। जो ज़्यादा डंकी है वो 3,200 से 3,400, कम डंकी 3,500 से 3,800 बिका। 300 बोरी आवक, बाजार समान, बाजार कुछ भी ठीक ठाक कह सकते हैं, लेवाली अच्छी देखने को मिली थी। सोयाबीन में बाजार आज सुधार देखने को मिला, 50 रुपये का पुराना 3,960 बिका, नया सोयाबीन 2,500 से 3,650 तक बिका और पुराना सोयाबीन 3,930 से 3,950, मीडियम माल 3,850 से 3,900, चालू माल 3,800 से 3,850। 2,000 बोरी नए की आवक रही, 700 बोरी पुराने की आवक रही, 2,700 बोरी कुल आवक रही और बाजार 50 रुपये नई पुरानी दोनों में तेज रहा। नई में डिफरेंस अंतर अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। अलसी 4,791 रुपये बिकी, बढ़िया माल 4,700 से 4,750, एवरेज माल 4,600 से 4,675, चालू माल 4,300 से 4,500। 100 बोरी आवक रही, बाजार में रही 100 रुपये की तेजी, लेवाली जोरदार। अलसी में और रायड़े में बम्पर तेजी, अलसी में पूरे पक्का 100 रुपये तेज देखने को मिला, 4,700 से 4,750 ही अधिकतर ढेर बिके। रायड़ा ऊपर में 3,841 एक ढेर बिका, बाकी किराना क्वालिटी 3,800 से 3,825 बिकी। बेस्ट माल 3,700 से 3,750 बिका, एवरेज माल नीचे में 3,575 से 3,650 बिका। 150 बोरी आवक रही, बाजार 100 रुपये तेज रहा, लेवाली जोरदार। उसका कारण रायड़े की बोवनी का समय निकलता जा रहा है और बोवनी हो नहीं पा रही है, जिसकी वजह से रायड़े में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में कुछ और भी अच्छा मिल सकता है। मूंगफली नई बिकी ऊपर में 5,101, नया माल है जो 5,000 से 5,100 और नया एवरेज माल, नया माल और 4,800 से 5,000 एवरेज माल और चालू माल 4,000 से 4,500, पुराना माल 170 बोरी आवक, बाजार 200 नरम रहा, 100 बोरी नए की रही और 85 बोरी पुराने की रही। प्याज की बात करें 3,640 ऊपर में बिका, मोटा माल 3,200 से 3,580, एवरेज मोटा माल 2,500 से 3,000, छोटे माल 2,200 से 2,500, 125 बोरी आवक रही, बाजार 200 रुपये तेज रहा, मोटे माल 3,580 था और ऊपर में एक लोट 3,640 बिका। जो कल 1,990 बिका ऊपर में, बाकी बढ़िया माल के भाव वही कल वाले 1,950 से 1,960, एवरेज माल 1,900 से 1,920, चालू माल 1,880 से 1,900। 100 बोरी की आवक देखने को मिली, बाजार में देखने को मिली समानता। मक्का की बात करें ऊपर में, नई मक्का 1,400 से 2,000 तक बिकी, पुरानी मक्का 2,200 बिकी, पुराना माल 2,100 से 2,150, एवरेज माल 1,900 से 2,000, आवक रही 200 बोरी की, बाजार में रही 50 रुपये की गिरावट, अब लगभग नए माल की आवक बनने लग जाएगी। उड़द की बात करें तो आज टॉप मालों की आवक भी नहीं थी, बढ़िया मालों की आवक के नदादत ऊपर में 5,500 बिका, बाकी बढ़िया माल 5,300 से 5,500, मीडियम माल 4,900 से 5,100, एवरेज माल 4,300 से 4,700 रुपये बिका, हल्का माल 3,400 से 4,000 वही बाजार है। 125 बोरी आवक रही, बाजार का समान, कोई विशेष तेजी मती नहीं, बढ़िया मालों की आवक की नदादत थी, बढ़िया माल मंडियों में नहीं आ रहा है, हल्के दागी शागी माल 2,000 से 2,500 नया माल बिक रहा है, अब बिल्कुल ख़राब माल है एक तरह से 2,000 से 2,500 रुपये। पोस्टे में गिरावट रही, ऊपर में 1,02,000 बिका, बढ़िया माल 3,97,000 से 1,01,000, एवरेज माल 89,90,000 से 95,000 और चालू माल 76,000 से 85,000, नीचे में 68,000 रुपये बिका। आवक रही 100 बोरी, बाजार 2,000 से 3,000, एवरेज हल्के मालों में 3,000 रुपये पक्का मरम रहा, चालू मालों में 3,000 साढ़े 3,000 मरता रहा, नीचे में 68,000 हमारे मित्र का ही माल बिका, मात्र 68,000 गोली लगी उस माल में, तो लगभग 5,000 रुपये बाजार 5,000 से ज़्यादा मरता था। ओवरऑल गिना जाए तो 3,000 रुपये बाजार पक्का मरता देखने को मिला। 3,000 की पोस्ते में गिरावट रही, तीनों पाल को छोड़कर तीनों पाल में 2,000 तक की गिरावट देखने को कह सकते हैं अपन। गेहूँ की बात करें 2,360 एक लोड बिका, सुपर माल 2,200 से 2,300 की आवक आज ज़्यादा थी, 2,200 से 2,300 के ढेर बिके काफ़ी 10-1 ढेर। बेस्ट माल 2,175 से 2,200, एवरेज माल 2,080 से 2,125, मिल बेस्ट 2,055 से 2,080, मिल क्वालिटी 2,030 से 2,050, हल्का मालो रात 2,000 से 2,045, 4,200 बोरी आवक रही, बाजार मिल क्वालिटी में 15 रुपये तेज रहा, बढ़िया मालों में 30 रुपये तेज रहा, बढ़िया मालों में लेवाली जोरदार एक नंबर और लो फान गेनों में अच्छी लेवाली बढ़िया मालों के अंतर्गत। अश्वगंधा बाजार समान ही रहा, बढ़िया माल 19,000 से 21,000 के बाजार हैं,
मीडियम क्वालिटी के 15,500 से 18,000 की बाजार हैं। एवरेज माल 14,000 से 16,000 के बाजार हैं। चालू माल 7,500 से 9,500 के बाजार हैं। 150 बोरी की आवक देखने को मिली और बाजार में देखने को मिली समानता, ऐसी कोई विशेष तेजी मंदी देखने को नहीं मिली। तिल्ली की बात करें दोस्तों तो तिल्ली बिकी है ऊपर ने तो 11,000, बढ़िया माल की रंगत 11,300 से 11,500, मीडियम माल 10,500 से 11,000, एवरेज माल 8,500 से 9,500, 400 बोरी आवक रही, बाजार समान ही रहा और कुछ भी लटक के सकते हैं। 11,000 में बहुत सा माल नहीं बिकी भी हुआ है, इस ऊपर बढ़िया माल नहीं था जो नहीं बिका, नहीं तो 300-500 के बाजार है। कल तो एक लोड बहुत ऊपर बिक गया था 12,191, बाकी बाजार वो नहीं थे जैसा हमने आपको बताया था। तो दोस्तों ये थे आज के कृषि बाजार नीमच मंडी की सबसे सही, सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीयता के साथ, और रोज़ाना वास्तविक अपडेट देते हैं हम आपको। तो जय हिंद जय भारत, लगातार बने रहें और विश्वास रखें। जय हिंद।